जब कभी आग लगे तो क्या करना चाहिए? थाने के सामने कुछ लोग गांव के आए होंगे, किसी ने बीड़ी सुलगती हुई डाल दी होगी, तो आग लग गई, और आग लगी तो बिल्कुल सामने थाना था और पीछे ट्रांसफार्मर भी था, आग बढ़ रही थी। हम फायर ब्रिगेड बुलवाते, फायर ब्रिगेड को कम से कम शहर से आने में आधा घंटे लगते, ज़्यादा भी लग सकता था, लेकिन हमारे थानेदार राहुल अहरवार और पूरी टीम ने, हवलदार संजू सिंह और जो थाने में स्टाफ था, हम लोगों ने स्वयं से प्रयास किया। तो क्या प्रयास करने चाहिए? सबसे पहले मेरा अनुभव है कि फायर लाइन जो कटिंग होती है वो करना चाहिए। आग दो तीनों चारों तरफ बढ़ती है, लेकिन जिधर सड़क होती है उधर से कट जाती है, क्योंकि उधर आग को जलने के लिए कोई वो नहीं मिलता बढ़ने के लिए। तो लगभग 5-10 मीटर दूर फायर लाइन हमें काटनी चाहिए, लगभग आधा एक मीटर की या दो तीन फिट की, तो उसे सफाई कर देना चाहिए जिससे आग का संपर्क टूट जाए और आग बुझ जाए। इसके अलावा जो पानी हो और रेत हो आसपास तो डालना चाहिए, और फायर ब्रिगेड को तत्काल बुलाना चाहिए। आग पर नियंत्रण पाने के ये देसी तरीके थे। इसके अलावा वर्तमान में अग्निशमन यंत्र, जो कि प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान या संस्थान में होता है, हमें उसका प्रयोग भी करना चाहिए और आना भी चाहिए चलाने। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है तत्काल बुलाकर आग पर नियंत्रण पाना चाहिए, क्योंकि आग अगर ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है, ऐसी किसी स्थान तक पहुंच जाती है जहां पर ज्वलनशील पदार्थ हो, तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आग पर कंट्रोल करने का तत्काल प्रयास करें तो जल्दी कंट्रोल हो जाती है। वैसे उधर रुक जाएगी, अब नहीं बढ़ेगी ज़्यादा तो।